Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV. CERB वसूल करने वालों को फिलहाल अदायगियों के लिए फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं. जस्टिन ट्रूडो कहते हैं, मैं नहीं चाहता कि लोग क्रिसमस के मौके पर परेशान हों. मुमकिन है कि कनाडा तमाम शहरियों को कोविड 19 से बचाव के कतरे पिलाने के लिए अपनी टाइमलाइन को तेज़ कर सकेगा. जस्टिन ट्रूडो कहते हैं, कनाडा वैक्सीन की शरह के बारे में बिल्कुल भी फिक्रमंद नहीं है. कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 488,638 हो गई, जबकि हलाकतों की तादाद 13,916 तक जा पहुंची. दुनिया भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 7,53,52,451 तक जा पहुंची, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 16,69,809 हो गई. पाकिस्तानी निजाद अली जैदी व्हाइट हाउस माहौलियात से मुतालिक डिप्टी नेशनल एडवाइज़र मुकर्रर कर दिए गए. जो बाइडन कहते हैं, उनकी टीम पहले रोज़ से ही माहौल से मुतालिक दरपेश खतरात से निमटना शुरू कर देगी. मूजी मर्ज में मुब्तला होने के ख़तरे के पेश नज़र अमरीकियों ने कोरोना वैक्सीन पर खदशात का इजहार कर दिया. खदशात की दूरी के लिए नायब सदर और उनकी अहलिया कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे. पायरेट्स ऑफ दी कैरेबियन में जॉनी डेप की वापसी की उम्मीदें दम तोड़ गईं. फिल्म सीरीज में कैप्टन जैक स्पैरो का किरदार जॉनी डेप ने निभाया था. बॉलीवुड अदाकारा सारा अली खान फिल्म हीरो पंती 2 से बाहर कर दी गईं. सारा अली खान को मंशियात केस की वजह से फिल्म से बाहर किया गया है. हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ. Greenish hand sanitizer, Ala Clean quality, 75% food grade alcohol, non-sticky or non-oily formula. Aaj hi apni kareebi pharmacy se khareede ya hamari website par order kare. www.greenish.com. कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है. हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट. लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699. फॉर फैमिली लॉ, रियल एस्टेट, विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699. पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है. कॉल लॉयर शिखा शारदा, 905-956-6699. कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि सीईआरए की जानिब से कुछ लोगों को खतूत अरसाल किए गए हैं ताकि ये मालूम किया जा सके कि वो वाकई इमरजेंसी रिस्पांस बेनिफिट के लिए आमदनी की अहलियत के मयार पर पूरा उतरते हैं या नहीं. मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में. कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि सीईआरबी वसूल करने वालों को फिलहाल अदायगियों के लिए फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग क्रिसमस पर परेशान हों. हम उनके साथ काम करने जा रहे हैं. ट्रूडो का कहना था कि कोविड 19 के इब्तदाई दिनों में हुकूमत का हदफ माली मुश्किलात से दो चार कैनेडियंस की मदद करना था और हम समझते हैं कि अब कुछ लोग मुमकिन नए कर्जों के बारे में फिक्रमंद हैं. जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि कैनेडा रेवेन्यू एजेंसी की जानिब से कुछ लोगों को खतूत अरसाल किए गए हैं ताकि ये मालूम किया जा सके कि वो वाकई इमरजेंसी रिस्पांस बेनिफिट के लिए आमदनी की अहलियत के मयार पर पूरा उतरते हैं या नहीं. जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि कुछ वसूल कुनंदगान जो फवायद के लिए ना अहल पाए गए थे, उन्हें 2021 के टैक्स की परेशानियों से बचने के लिए 31 दिसंबर तक रकम वापस करने की तरगीब दी गई है. कनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि मुल्क भर में हिफाजती टीकों के मंसूबे के मुताबिक दिसंबर और मार्च 2021 के दरमियान में बुजुर्गों और सेहत की देखभाल करने वाले कारकुनों जैसे तरजीही ग्रुपों को कतरे पिलाने पर तवज्जो दी जा रही है. इस हवाले से मजीद जानते हैं.
कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि तखमीने से महतात रहने के बारे में बताया गया है, लेकिन वैक्सीन की टाइम लाइन में तेजी आ सकती है। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का मजीद कहना था कि ये भी मुमकिन है कि कैनेडा तमाम शहरियों को कोविड-19 से बचाव के खतरे पिलाने के लिए अपनी टाइम लाइन को तेज कर सकेगा, जबकि कैनेडा वैक्सीन की शरह के बारे में बिल्कुल भी फिक्रमंद नहीं है। वफाकी हुकूमत ने यह हदफ भी दिया है कि माह सितम्बर और दिसम्बर 2021 के दरमियानी अरसे के दौरान तमाम कैनेडियंस जो कोविड-19 से बचाव के खतरे पिलाने के ख्वाहां हैं, उनसे एक माहदे पर दस्तखत लिए गए हैं। मुल्क भर में हिफाजती टीकों के मंसूबों के मुताबिक दिसंबर और मार्च 2021 के दरमियान में बुजुर्गों और सेहत की देखभाल करने वाले कारकुनों जैसे तरजीही ग्रुपों को खतरे पिलाने पर तवज्जो दी जा रही है, जिसके नतीजे में 30 लाख कैनेडियंस यानी 8% आबादी को हिफाजती टीके लगेंगे। आम लोगों पर वैक्सीन अप्रैल से शुरू होंगी और अप्रैल से जून तक 15 से 19 मिलियन शहरियों को हिफाजती खतरे पिलाए जाएंगे, जो आबादी के 40 से 50% के बराबर है। कनाडा भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 13,916 हो गई है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में कनाडा भर में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा देखने में आ रहा है। आखिरी इत्तला के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 488,638 हो गई। कनाडा भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 13,916 हो गई है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमू केसेस की तादाद 1,71,028 हो गई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 7,635 तक पहुंच चुकी है। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 1,48,967 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 4,058 है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में 86,168 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 790 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलम्बिया में 44,776 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 713 है। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासरा 33 करोड़ से ज्यादा आबादी का हामिल अमरीका पहले नंबर पर है, जहां इस वायरस से अब तक 3,17,929 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया का कोई खिता कोरोना वायरस की मूजी वबा से महफूज नहीं, इसके मरीजों और अमवात में मुसलसल इजाफा जारी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 7,53,52,451 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 16,69,809 हो गई, जबकि 5,29,10,196 कोरोना मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस के केसेस और इससे अमवात के एतबार से 10 सर फहरिस्त ममालिक में 33 करोड़ से ज्यादा आबादी का हामिल अमरीका पहले नंबर पर है, जहां इस वायरस से अब तक 3,17,929 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमू तादाद 1,76,27,070 हो चुकी है। 1 अरब से ज्यादा आबादी वाला मुल्क भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है, जहां इससे 1,44,829 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इस मूजी वायरस से मुतासर मरीजों की तादाद 99,79,447 हो गई। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से ममालिक की इस फहरिस्त में ब्राजील तीसरे नंबर पर है, जहां ये जानलेवा वायरस 1,84,876 जिंदगियां निगल चुका है, जबकि कोरोना मरीजों की तादाद 71,11,527 तक जा पहुंची है। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 49,762 हो गई, जबकि इसके मरीजों की तादाद 27,91,220 हो चुकी है। फ्रांस में कोरोना वायरस की वबा से मजमू अमवात 59,619 हो चुकी है, जहाँ इसके अब तक कुल केसेस 24,27,316 रिपोर्ट हुए हैं। इटली में कोरोना वायरस से कुल अमवात की तादाद 67,220 हो गई, जबकि इसके कुल केसेस 19,06,377 हो गए। सऊदी अरब इसी फहरिस्त में 31वें नंबर पर पहुंच चुका है, जहां कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 6,091 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 3,60,516 तक जा पहुंची है। नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से पाकिस्तानी निजाद अली जैदी को वाइट हाउस के माहौलियात से मुतालिक डिप्टी नेशनल एडवाइज़र मुकर्रर कर दिया गया है। अली जैदी अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया में मुकीम हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
पाकिस्तानी नजाद अली जैदी व्हाइट हाउस माहौलियात से मुतालिक डिप्टी नेशनल एडवाइजर मुकर्रर कर दिए गए। नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से पाकिस्तानी नजाद अली जैदी को व्हाइट हाउस के माहौलियात से मुतालिक डिप्टी नेशनल एडवाइजर मुकर्रर किया गया है। जो बाइडन का कहना है कि उनकी जहीन और तजुर्बाकार टीम पहले रोज ही से माहौल से मुतालिक दरपेश खतरात से निपटना शुरू कर देगी। पाकिस्तानी नजाद अमरीकी अली जैदी ने ओबामा इंतजामिया को भी माहौलियात से मुतालिक एक्शन प्लान बनाकर अमल किया और इसके बोध पेरिस मुहायदे पर मुजाकरात भी किए गए। वाज़ह रहे कि अली जैदी अमरीकी रियासत पेंसिल्वानिया में मुकीम हैं। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में तालीम अधूरी छोड़कर सदर ओबामा के इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया था और बाद में तालीम मुकम्मल की थी। अमरीका में हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल जारी है, ताहम 37% अमरीकियों ने वैक्सीन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। अमेरिका में हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल जारी है, ताहम 37% अमरीकियों ने वैक्सीन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। दुनिया भर की तरह अमरीकी शहरियों में भी कोरोना वैक्सीन से मुतालिक बास तबकों को तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात हैं। उनकी नज़र में वैक्सीन किसी मूजी मर्ज का खतरा बढ़ा सकती है। इन्हीं खदशात को दूर करने के लिए नायब सदर माइक पेंस और उनकी अहलिया किसी भी वक्त कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे। अमरीकी मीडिया का कहना है कि नौ मुंतखब सदर जो बाइडन आइंदा हफ्ते अवाम के सामने कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे, ताहम सदर ट्रंप की जानिब से अभी तक वैक्सीन लगाने के हवाले से कोई बयान सामने नहीं आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अवामी तौर पर वैक्सीन लगाने का मकसद अवाम का एतमाद हासिल करना, क्योंकि 37% अमरीकियों ने वैक्सीन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, जबकि 63% अमरीकी वैक्सीन लगवाने के लिए रजामंद है। कबल अजी अमरीका में कायम मकाम सेक्रेटरी बराए दिफा क्रिस मिलर ने रवां हफ्ते के अवाइल में फाइजर और बायोटेक वैक्सीन को इस्तेमाल किया था। मुमकिन तौर पर अमरीकी नायब सदर भी मस्कूरा वैक्सीन ही लगवाएंगे। मारूफ डिज्नी प्रोडक्शन हाउस वॉल्ट डिज्नी ने फिल्म सीरीज पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन में जॉनी डेप के छोटे से किरदार के ख्याल को भी रद्द कर दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन की पांच फिल्मों में कैप्टन जैक स्पैरो का मरकजी किरदार अदा करने वाले 57 साला अदाकारा की सीरीज में वापसी का मामूली रास्ता भी बंद हो गया। वॉल्ट डिज्नी ने मुबैना तौर पर जॉनी डीप पर अपनी साबका अहलिया पर तशद्दुद का केस आने के बाद उन्हें इस सीरीज में दोबारा ना लेने का फैसला किया था और चंद माह कबल ऐलान किया गया था कि अब आइंदा आने वाली फिल्म में खवातीन मरकजी किरदार होंगी। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म के प्रोड्यूसर चाहते थे कि आने वाली फिल्म में जॉनी डीप को एक छोटे से किरदार में दिखाया जाए, ताहम डिज्नी इंतजामिया की जानिब से इस आइडिया को रद्द कर दिया गया। ख्याल रहे कि इस सीरीज की पहली फिल्म 2003 में रिलीज की गई थी, जिसकी कामयाबी के बाद 2017 तक इसकी पांच फिल्में बनाई गई थीं, जिनमें कैप्टन जैक स्पैरो का किरदार जॉनी डीप ने निभाया था, जिसे मद्दाहों ने काफी पसंद किया था। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड फनकारों के खिलाफ ड्रग्स का नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। बॉलीवुड अदाकारा सारा अली खान की टाइगर श्रॉफ की मशहूर फिल्म हीरोपंती 2 के सीक्वल से छुट्टी कर दी गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड फनकारों के खिलाफ ड्रग्स का नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। नारकोटिक्स ब्यूरो की तहकीकात के दौरान कई नामवर अदाकार ड्रग्स के इस्तेमाल में मुलव्वस हैं, जिसमें एक नाम सारा अली खान का भी है। इन फनकारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर बायकॉट मुहिम भी शुरू हो गई है, जिसके पेश नजर सारा को आने वाली फिल्म से हाथ धोना पड़ा। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म हीरोपंती 2 में टाइगर श्रॉफ के मद्दे मुकाबल सारा अली खान को कास्ट कर लिया गया था और तमाम मामला भी तय पा गए थे, लेकिन मुंशियात स्कैंडल में सारा का नाम सामने आने के बाद प्रोड्यूसर को अपनी फिल्म खतरे में नजर आने लगी, जिसके बाद सारा की जगह दूसरी अदाकारा को कास्ट करने पर नजरसानी शुरू कर दी गई है। ये खबर भी सामने आई है कि सारा की फिल्म से छुट्टी के बाद उनकी जगह फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 की अदाकारा तारा सतारिया को कास्ट किया गया है, जिसके लिए टाइगर श्रॉफ ने खुद भी दरख्वास्त की है। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी। Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at Tag TV. Tag TV updates you about Corona situation in Canada and around the globe.